फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग चल रहे हैं IIT से मोती झील बेना झाबर तक। तो देखते हैं कहाँ तक वीडियो ये जाता है, तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये हम माउंट वीडियो बनाने वाले हैं, ट्रैवल वीडियो होगा ये पूरा माउंट वाला, बाइक वाला। और हमने जो पूरी तैयारी भी कर रखी है, हेलमेट वगैरह ये लगा चुके हैं, और इसके बाद देखते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है, बहुत ही लोगों ने कहा हुआ है, तो भाई सभी लोगों के लिए हम ये वीडियो ला रहे हैं। तो देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहना और चलते हैं वीडियो की ओर। सो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम आगे की ओर चलते हैं। और IIT से जो है मेट्रो, यहाँ पे जो IIT का मैंने पूरा मोटी पूरा चीज मिलेगा, और जो हम आराम आराम चलते हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें वीडियो लंबा बनाना है, तो हमें ये वीडियो अच्छे से बनाना है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें जो है बीच बीच में इतनी एडिटिंग कर देंगे। ये है कानपुर IIT का जो है यहाँ पे, और हम ज़्यादा एडिटिंग करते हुए इस वजह से करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग भी महसूस ना हो और अच्छे से वीडियो भी कंप्लीट हो जाए। तो आप लोगों का पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करते रहना, और जो है थोड़ा सा बोलना भी ज़्यादा बड़ा बोलेंगे भी नहीं, थोड़ा सा इसमें बात ओवर एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, और हम इसमें जो थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह यूज़ करेंगे नो कॉपीराइट वाले, क्योंकि क्या बोलें उतना जो मेट्रो अपडेट आते रहेंगे, जिससे मेट्रो स्टेशन आते रहेंगे, उसके बारे में आप लोगों को जो थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे कि कहाँ पे कौन सा मेट्रो स्टेशन है, कहाँ पे नहीं है। हाँ, आप लोगों को एक बात और थोड़ी सी बतानी थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होती है। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि कहीं भी प्रॉब्लम में होते हैं, आप लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। तो आपको जब भी कुछ लगा करें, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, तो आप लोग एक ही काम करें, मतलब आप अपने मोबाइल को एक ऐसा समझें कि हमारा जो दूसरा इंसान है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का इतना क्रेज ज़्यादा हो चुका है कि कहीं पे भी खड़े हो जाओ। अभी हुआ क्या था, एक्चुअली मेरे दो दिन पहले, आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले जो हुआ था, मैंने पेट्रोल डलाया हुआ था, वो कैसे उन्होंने चोरी की मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। तो ये अभी जो है मैं IIT पर, एक कल्याणपुर का मेट्रो स्टेशन है, और ये कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन यहीं पर, कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही यहाँ पर रेलवे स्टेशन ये बना हुआ है, बगल में आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो है ये कल्याणपुर का मेट्रो स्टेशन आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, इसका वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, कई अपडेट आ चुके हैं, और ट्रेन का अपडेट और एक दो दिन बाद आएंगे, तब अपडेट आप लोग देंगे। तो जो है इसमें अपडेट हम आप लोगों को वीडियो में चलते चलते देते हैं, तो आप लोगों से कुछ बातचीत करनी है, वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए, हुआ क्या था कि मैंने जो है 510 रुपये का मैंने एक जगह बोला पेट्रोल डाल दीजिए, तो एक्चुअली में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनसे गलती हुई, तो उन्होंने 110 रुपये का ही पेट्रोल डाला। जब 110 रुपये का पेट्रोल डाला, तो मैंने उनसे जो है बोला कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब 510 का मैंने बोला हुआ है। तो उन्होंने कहा चलिए कोई नहीं, मैं 510 का करता। तो यार उन्होंने क्या किया, बिना रिक्वेस्ट किए 400 रुपये का फिर से डाला, यानी 400 रुपये ना डाल के वो 110 के बाद से फिर से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उस दिन मैं थोड़ा सा जल्दी में भी था, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा नहीं बोलता हूँ। लेकिन जब दूसरे दिन मैं वहाँ पर गया, तो डायरेक्ट मैं मैनेजर के पास गया, तो वहाँ पर जो मैं पहुँचा, तो उन्होंने बोला कि भैया क्या हुआ। तो हमने कहा भैया पहले मैनेजर का जो है, मुझे यहाँ पे मैनेजर से मिलना है, जो वहाँ पे पेट्रोल वगैरह भरते हैं। तो उन्होंने कहा मैनेजर नहीं, हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा चलिए मैनेजर नहीं, हमने कहा यहाँ के जो मालिक है, आप मुझे उनसे कॉन्टैक्ट करवाइए, मुझे नंबर दीजिए, मतलब किसी तरीके से उनसे मुझे 1 मिनट का टाइम से निकाल के बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मालिक से भी बात नहीं हो सकती है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ अभी मैं जो है, और फिलहाल अभी जैसे मैंने उनसे ऐसा बोला, तो उन्होंने बोला भैया मैनेजर वो खड़े हैं। हमने कहा वाह भाई गजब है, मतलब ये कानपुर में ऐसा बोला मैनेजर होते हुए। तो फिर हमने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि जब वहाँ पे मैनेजर खड़े हुए थे, तो मैनेजर के बाद वहाँ पे जो मैनेजर से बात की, तो मैंने मैनेजर ने सारी सिचुएशन बताई। तो उन्होंने पता है क्या बोला कि आपने रीडिंग देखी, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। हमने कहा बहुत से, हमने कहा मैं आपको था कि आपने देखा, तो हमने कहा हाँ भैया हमने देखा, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ और मैं बोतल लेकर पहुँचा हुआ था। हमने कहा कि सेम कंडीशन उसी तरीके से मेरे में डालिए, आज आप बिना रिफ्रेश के जैसे डाला था, तो अगर हमारे में पेट्रोल अगर उतना नहीं आया, तो वो मैं क्या करूँगा, आप समझ भी नहीं सकते हैं, और बवाल कितना होगा वो तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो उन्होंने पता रख क्या मुझसे जवाब दिया कि मतलब हमने ये भी कहा कि आप ये मत सोचिए कि जो है हम अगर हम वीडियो बनाएंगे तो कहीं जाएगा नहीं। हमने बताया कि भैया हम फेसबुक पर भी और इंस्टा पे हर जगह पर अपलोड करेंगे, और हमारे दोस्त वगैरह सपोर्ट लेके ये वीडियो को हम किसी न किसी तरीके से कम से लाखों लोग तक पहुंचवाएंगे, और आपका नाम भी पहुंचवाएंगे। तो उन्होंने बस इतना ही सुनते हुए बोला भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और जो है आपका जितना भी पेट्रोल लॉस हुआ, ये भाई मेट्रो स्टेशन है, ये है SPM का मेट्रो स्टेशन। तो अभी हम SPM का देखने के बाद हम आगे की ओर चलते हैं।
तो फिर उन्होंने मुझसे क्या बोला कि जो है यहाँ पर आपका जो जितना लॉस हुआ है मैं आपको पेट्रोल डालता हूँ। हमने कहा भैया ये क्या हुआ, मतलब आप इतनी जल्दी, अरे बोले वो गलती हो जाती है लोगों से। तो हमने कहा भैया ऐसा मत करिए, हमने कहा 5-10 रुपये चलिए ठीक कोई बात नहीं, 5-10 रुपये आपने सीधे 1-10 रुपये उड़ा दिया। तो फ्रेंड्स अभी जो हम ट्रैवलिंग को स्टॉप कर रहे हैं यहीं पे, ये यहाँ पे बेना धाबर तक यहाँ तक आए, हमने पता किया तो बोले कि स्टेशन आगे भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे भी काम नहीं हुआ है, और इस जगह पे जो है ये इस साइड बना हुआ कुछ भी है वो कुछ स्टेडियम टाइप में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इतना बना हुआ कम्प्लीट हुआ है, बाकी जो है आप लोग पूरा ट्रैवल वीडियो देख लीजिए। आप लोगों ने पूरा ट्रैवल वीडियो देखा होगा, बहुत ही अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं इसी तरीके एक नए वीडियो के साथ। आप लोग थोड़ा सेटअप दिखा देते हैं हेलमेट का अपने जो है, तो जो ये है हेलमेट, ऐसा माउंट जो है इसमें लगाते हैं, सेट करते हैं, इसमें मोबाइल लगा होता है, इस वजह से हम बोले थे कि मेरा कैमरा होगा तो देंगे, देखो कभी सब टाइम आएगा और सब लोग सपोर्ट करोगे तो जरूर टाइम आएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।